सियाचिन में सैनिकों के टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद। अंशुमन सिंह के माता पिता लखनऊ में रहते हैं। बेटे की शहादत पर माँ बोली, दूध का कर्ज चुकाया। पिता बोले, बेटा देश के काम आया। डॉक्टर अंशुमन सिंह ने कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई शिमला के सैनिक स्कूल में की थी। 2020 में पूर्ण MBBS किया। उनकी पहली तैनाती आगर के मिलिट्री हॉस्पिटल में हुई थी। वहाँ करीब एक साल से तैनात रहे। उसके बाद पूंछ में 12वीं बटालियन में बतौर मेडिकल ऑफिसर में तैनाती हुई। एक माह पहले ही उनकी सियाचिन में पोस्टिंग हुई थी। 15 दिन पहले ही कैंप में गए हुए थे। आसपास के लोग बताते हैं कि अंशुमन सिंह शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे। जवान अंशुमन सिंह के घर वालों ने बताया कि बुधवार को 3 बजे अंशुमन सिंह के उनके पिता व माँ और पत्नी से बात की थी। वह बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कहा था कि कैंप और मौसम के बारे में भी बातचीत की थी, घर वालों का हालचाल भी लिया था। करीब आधे घंटे के बाद बुधवार को 3:30 बजे टेंट में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें साथी जवानों की जान बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। सुबह करीब 5 बजे सेना अफसरों से हादसे की जानकारी होते हुए अंशुमन सिंह की मां मंजू देवी बेसुध हो गई। उनकी पत्नी स्मृति का रो रो कर बुरा हाल है। जवान डॉक्टर अंशुमन सिंह का विवाह पंजाब की रहने वाली स्मिता से इसी साल 10 फरवरी को हुआ था। शादी के बाद से ही स्मिता सास ससुर के साथ सालिम खेड़ा में स्थित घर में रहती है। सियाचिन से मैदानी इलाके से तबादला होने के बाद उन्होंने स्मिता को भी साथ ले जाने की प्लानिंग की थी, लेकिन सारी खुशियां पल भर में बिखर गई। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग, जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। भारत माता के वीर सिपाही को मैं उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सच्चा नमन करता हूँ। सेना के विशेष वाहन से देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों के साथ शहीद जवान अंशुमन सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जाएगा, जहां जवान के सम्मान में 1000 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। सेना सम्मान के साथ जवान का किया जाएगा अंतिम संस्कार।